हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे पकोड़ा बना रही हूँ। आज पकोड़ा खाने का मन किया है सबको, तो पकोड़ा फ्राई कर रही हूँ, चाय भी बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट का टाइम है अभी और राइस ये बोल रहा हूँ। देखो बाबू पूरा खुश है ना बेटा, बाबू को घूमने को मिलता है तो बाबू पूरा खुश हो जाता है एकदम ना बेटा। कुछ नहीं होगा लल्ला, कुछ नहीं होगा। मेरे हीरो को देखिए, आ गए हम लोग नानी जी के घर। यहाँ नानी जी है, ये मामी जी है और अभिषेक को तो आप लोग देखे ही है, हमेशा देखते ही है। और बाबू यहाँ पे, और मामी जी आज बनाई है आलू पराठा। तो बस आलू पराठा सेवा ही बनाया ना मामी जी, तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग खाते हैं। हाँ बन गया। और मामी जी का हाथ का खाना कुछ भी बना देती है, बहुत टेस्टी होता है वो। मतलब कुछ भी बना देती है, अच्छा होता है, बहुत टेस्ट होता है हर चीज। तो गाइस बस खा पी के फिर घर जाती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आप लोग। गुड मॉर्निंग गाइस। किचन में मेरा मतलब लंच वगैरह ब्रेकफास्ट सब कुछ बन चुका है। मैं दिखाती हूँ क्या बना है। ये बना है पटल आलू का सब्जी। सॉरी, ये तो मलाई मतलब वो घी निकालने के लिए मैं मलाई स्टोर करती हूँ, मलाई है। और राइस बना है और कुछ खास आज नहीं बनाई हूँ बिकॉज पुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाई हूँ। और मैं आज ना चारकोल ऑर्डर की थी, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोग को। ऑनलाइन आया है चारकोल, ये रहा पैकेट। और इतना ज़्यादा ये मतलब ये हाथ में देखा, तो हाथ में देखिए कैसे ब्लैक लग गया मेरा हाथ में देखिए। तो इसको मैं अभी खोल के नहीं, जब कुछ बनाऊंगी तब दिखाऊंगी आप लोग को। तो चारकोल का ज़रूरत पड़ जाता है कोई कुछ चीज़ बनाने, जैसे भुट्टा वगैरह सेकने के लिए। तो मैं सोच चारकोल पर ज़्यादा अच्छा होता है, गैस पर इतना अच्छा नहीं होता है बनाना, तो इसलिए मैं मंगाई। चाहे बहुत कुछ के जैसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए नूडल्स वगैरह में या फिर मटर पनीर में, कोई भी चीज़ में अच्छा लगता है। तो गाइस बस सारा काम कंप्लीट हो चुका, सोचा था रूम वगैरह क्लीनिंग करूं आज, बहुत दिन से नहीं की हूँ किचन वगैरह। ऐसे तो करती रहती हूँ तो आप लोगों को पता ही है, किचन कुछ दिन पहले की थी, रूम भी की थी मैं, तो मैं सोचा थोड़ा सा एक बार और कर लेती हूँ। और रूम अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा बिकॉज एक छोटा सा लाइट जल रहा है, सारा लाइट्स मैं ऑन नहीं की, वो भी जा रही हूँ ऑफ कर देते, ऑफ करके तब लेटूंगी मैं। आके किचन में, और किचन में मैं आके बना रही हूँ, देखिए ठीक हुआ। डाली हूँ नारियल, पीनट्स, घी, सूजी, मिश्री, ये सब डाल के मैं बनाऊँगी। बना रही हूँ अभी मैं, फिर रूम में जाती हूँ, फिर आपस से बात करती हूँ, फटाफट से काम कर लूँ। और एक हाथ में कैमरा पकड़ के एक हाथ से काम नहीं कर पाऊँगी मैं। और मेरे दोनों बच्चे भी पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन चल रहा है, और ये है चैम्बर में, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और ये ठेकुआ हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। हेल्थ वाइज इसलिए अच्छा होता है बिकॉज इसमें पीनट्स रहता है बहुत सारा, नारियल रहता है, जो नारियल भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें चीनी यूज़ नहीं करते, मिश्री यूज़ करते हैं हम लोग, और आटा, सूजी, ये सब रहते हैं। और मोइन में भी मैं घी डालती हूँ, मुझे ऑयल का मोइन एकदम पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। तो बस ये हो चुका है फ्राई, आई और किचन का क्लीनिंग वगैरह हो चुका है। उसके बाद मुझे मतलब किचन में थोड़ा बहुत काम करती हूँ, तो मुझे ड्रेस मतलब वो ड्रेस पहन के नहीं रह सकती हूँ मैं, तो फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज की। उसका ये घर पे ही है, तो चाय भी मैं बैठाती हूँ साथ में यहाँ पे। और किचन का हालत देखिए क्या हुआ है, मतलब सिर्फ वो हुआ है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब आंटी थोड़ा बहुत पूछी और अभी मतलब सामान अरेंज नहीं हुआ है, मतलब ऐसे ही बिखरा हुआ है। मैं सब दिखाती हूँ कि आपको, बर्तन वगैरह सब ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, सामान वगैरह भी सब्जी वगैरह है सब ठीक करना है। और ये सामान देखिए इधर उधर सब ऐसे ही बिखरा हुआ है, सब फ्रिज से निकाल के रखा हुआ है अभी।
तो सब इसको फ्रिज पूरा खाली कर दिया गया है, पूरा खाली हो गया है फ्रिज एकदम। थोड़ा बहुत सामान है और टाइम लगेगा करने में, और कल है थर्सडे, देखते हैं जितना हो सके कल करूँगी मैं। मतलब किचन का क्लीनिंग हो या फिर रूम का या फिर पूरा घर का, कम से कम मैंने एक बार तो पूरा डीप क्लीनिंग करना ही चाहिए, नहीं करने से फिर मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब बहुत जान होता है कि दिवाली हम लोग में, मतलब मैं तो स्पेशली, मुझे तो एकदम डीप क्लीनिंग ही पसंद है, चाहे किचन हो चाहे रूम हो। गाइस ये एक हाथ से शायद पता नहीं डालना पॉसिबल है कि नहीं, डाल ली मुझे लगा कहीं गिर जाएगा तो। और हम लोग पैकेट से मतलब कुछ भी निकालते नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही रख देते हैं फ्रिज में। और गाय का दूध का चाय फिर इतना अच्छा नहीं होता, बहुत पतला होता है गाय का दूध का चाय, और पैकेट का दूध का चाय अच्छा लगता है, थोड़ा सा ठीक होता है पैकेट का दूध का चाय। इधर उधर सामान पूरा बिखरा हुआ है एकदम। सुबह सुबह मॉर्निंग मतलब मैं मॉर्निंग में उठ के थोड़ा बहुत अलमेरा भी ठीक किए थे थोड़ा बहुत, तो उस टाइम वो सूट नहीं कर पाई। उस टाइम मेरी बेटी सो ही गई थी, सुबह उठी थी, उठने के बाद वापस वो सो गई थी, तो मैं भी छोड़ दे गई, चलो स्कूल नहीं है, उसकी मर्जी के हिसाब से चलने देते हैं स्कूल जब हो करके वो। फिर तो और मैं कभी पी भी लेती हूँ अदरक का चाय, चलो काम चल जाता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं पीता अदरक का चाय, इनको पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता, इनके लिए इलायची, इनके लिए इलायची का ही वो करना पड़ता है। को लेके प्रेशर था पढ़ाई का, अब तो बेटा को लेके भी टेंशन हो जाता है उसको, तो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं। एक को ले एक को लेके था, अब दो जन का टेंशन हो जाता है, कहाँ पता नहीं सामान सब इधर उधर हो गया है, फ्रिज में ही है। और गुड़ को मैं फ्रिज में रखती हूँ। मैं चाह रही हूँ एक मतलब कांच का जार लाने, और किस लिए लाने जा रही हूँ, ऐसे जार तो है बहुत सारा और डब्बा भी है बहुत सारा, बट वो चाहिए मुझे जो ठंडाई का प्रीमिक्स बनाऊँगी मैं उसको रखने के लिए। उसमें क्या होता है मतलब जो कांच का जार होता है उसमें अच्छा रहता है, और या फिर एयर टाइट डब्बा में अच्छा रहता है, तो एयर टाइट डब्बा बहुत सारा है बट सब में सामान रखा हुआ है। जो प्रीमिक्स रखेंगे अगर डब्बा अगर चेंज मतलब उसको कुछ और चीज़ का निकाल कर रखना चाहें तो फिर भी मतलब एक ना स्मेल आ जाएगा उसका प्रीमिक्स में आ जाएगा उसका स्मेल, इसलिए मैं फ्रेश डब्बा लेना चाहती हूँ और प्रीमिक्स इसलिए बना रही हूँ। इसके पहले मैं ठंडाई बनाई थी, आप लोग देखें, और पहले मैं ठंडाई बनाती हूँ वो अलग प्रोसेस से बनाती थी, अब ठंडाई जो बनाती हूँ वो अलग प्रोसेस से बनाती हूँ। तो ठंडाई का डिमांड है मेरी सिस्टर का, तो मतलब दो तीन बार बोल चुकी हूँ मुझे कि दीदी ठंडाई बना दी हो क्या, तो बोले कि मतलब मैं आऊँगी तो ठंडाई बना के रखना, ठंडाई पीना है मुझे, उसको ठंडाई पसंद है। ऐसे मेरे हाथ का ठंडाई सबको बहुत पसंद है, सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो प्रीमिक्स मैं बनाऊँगी अभी थोड़ा देर में, जा रही हूँ थोड़ा बहुत अपनी बेटी को लेकर जाने, उसके बाद आती हूँ तो फिर बनाती हूँ। नॉर्मल वाला वीडियो से अच्छा नहीं लगता है, कौन सा हेल्दी होता है? नहीं चॉकलेट वाला नहीं, यही वाला अच्छा अच्छा है। गाइस मैं घर पे आ गई, और आने के बाद यहाँ पे बस मैं रेडी कर रही हूँ, ये है मिश्री और इलायची, तो मैं मिश्री पाउडर बनाई, बट मिश्री तो पाउडर हो गया बट ये इलायची नहीं हुआ। इलायची को छील के उसका जो सीड्स होता है वही ग्राइंड की, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है स्किन वो मतलब मुंह में आता है तो इनको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो एक साथ मैं पाउडर बना सकती थी, फिर इसको मतलब चाल सकती थी, बट सोची कि सीड से डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये है पोस्तो बोलते हैं, उसमें मतलब बहुत टाइप का खसखस भी कोई कोई बोलते हैं, और ये भी मैं डाल रही हूँ, और बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स, आप ड्राई फ्रूट्स जितना डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो मैं ये छोटा वाला जार को मैं इसको अच्छे से पोंछ रही थी, ड्राई नहीं रहने से थोड़ा सा भी गिला रहने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ा जार मैं देख रही हूँ मैं नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको मैं साइड करके रख दी, पोछी फिर उसको साइड ही कर दी, मतलब बाई चांस थोड़ा सा भी गीला रहेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा सारा प्रीमिक्स मेरा बनाया हुआ। तो यहाँ पे मेरा मिश्री और वो सब हो चुका है, ड्राई फ्रूट्स मैं वो कर दी उसमें, कि ये है पिस्ता, काजू और
बादाम भी है, उसको मैं बाद में करूँगी, पहले इसको ग्राइंड कर लेती हूँ उसके बाद करूँगी मैं। अगर ज़्यादा भर जाएगा तो फिर ग्राइंड अच्छे से नहीं हो पाएगा। बहुत मेहनत है ये सब बनाने में, पीने में खाने में तो हर चीज़ अच्छा लगता ही है, बट बनाना बहुत ज़्यादा टफ है। जो बनाता है वही समझ सकता है। तो मैं ये सब बनाती हूँ, मुझे समझ, यही होता है कि हेल्दी होता है, घर का कुछ भी बनाओ हेल्दी होता है, बाहर का कुछ भी। मतलब वो सिरप लेके आएंगे, सिरप में कितना ज़्यादा चीनी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो इजी है, वो सिरप लाके बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। मैं पहले वैसे ही बनाती थी, बहुत क्वांटिटी, मतलब 6-7 लीटर बनाना पड़ता था ठंडाई, इतना ज़्यादा ठंडाई बनता था। इस साल तो हुआ नहीं, इस साल होता तो इस साल भी बनता, तो इस साल नहीं हुआ तो फिर नहीं बना। और ये मेरी सिस्टर को नहीं बोलती तो ये भी नहीं बनाती मैं। तो ये डब्बा जो लेके आई हूँ इसको मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। अब मेरा रेडी हो चुका है, बस इसमें डालना है। उसको हाथ से भी मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ, मिक्स कर लूँगी तो अच्छा रहेगा। और सब पाउडर तो मैं अलग अलग बनाई हूँ, एक साथ तो नहीं ग्राइंड की थी, एक साथ ग्राइंड करने से फिर मुझे नहीं मिलाना नहीं पड़ता। तो मैं देख लेती हूँ उसका स्मेल, कुछ स्मेल तो नहीं आ रहा है ना डब्बा से। ऐसा मैं बहुत ज़्यादा काम की हूँ, बहुत कुछ बनाई के रखी। कल तो ऐसे ही नानी जी के घर चली गई थी और नानी जी का हाथ का ना, मतलब कोई भी खाना, सॉरी मामी जी का हाथ का कोई भी खाना बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। कुछ भी बना देती है ना, बहुत अच्छा लगता है मामी जी का हाथ का। और इतना प्यार से खिलाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना प्यार, मतलब इतना अच्छे से, सबसे बड़ा प्यार होता है। कोई प्यार से ना कुछ भी खिला दे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़रूरत नहीं है इतना सारा कुछ बनाने का, वो मत बनाओ कुछ, थोड़ा सा ही प्यार से खिला दो वो सबसे अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है मामी जी में, मामी जी कुछ भी बना देते वो इतना प्यार से खिलाती है कि उसमें जैसे लगता है कि उस खाना में प्यार आ जाता है, और वो खाना इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कल बस वहीं से आई, कल सोची थी बनाने का, फिर लेट हो गया आने में, तो फिर बाबू का खिलाना पिलाना, बच्चा लोगों को देखना, तो उसका नहीं की। तो आज मैं फिर लगी, आज फिर बहुत सारा काम हो गया। और अभी तक मैं नहीं गई इवनिंग वॉक करने, इवनिंग वॉक अभी तक तो ये चैम्बर में है, अब देखिए क्या बोलते हैं। और बस मेरा बन चुका है सब कुछ, और थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम रहेगा, कल देखती हूँ थर्सडे क्या क्या कर सकती हूँ, वो भी करूँगी। और बनाना है मुझे कटहल का सब्जी, थर्सडे को नहीं फ्राइडे को बनाना है, मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ। अब देखती हूँ क्या होता है, अभी तो बोल दी अब, मतलब बनाना है कि नहीं बनाना है, ऐसे मैं सोच के रखी हूँ, वही बनाऊँगी। अब कटहल अच्छा देख के लाऊँगी, मैं खुद जाऊंगी इनके साथ में। ऐसे तो कटहल कोई भी ला सकता है, पापा भी ला देंगे, चाहे मैं देवर भी अच्छा कटहल लेके आते हैं, कोई भी ला सकते हैं कटहल। तो देखती हूँ पापा लेके आएंगे तब ठीक ही है, नहीं हुआ तो फिर मैं इनके साथ जाऊंगी लेके आऊंगी। प्योर हाउस वाइफ का लाइफ ऐसे ही होता है, दिन भर किचन से रूम, रूम से किचन, फिर बच्चों लोग में लग, बट ये लाइफ अच्छा है। जो वर्किंग लेडी होती है उन लोगों को समझ में आता है कि हाँ, फिर उन लोग अपने फैमिली को उसे टाइम नहीं दे सकती है, बहुत प्रॉब्लम होता है लाइफ में। मतलब स्टार्टिंग में चलो अच्छा लगता है, बट एक तो लगता है हाँ दिन भर बाहर रहते हैं, फिर बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, हस्बैंड को टाइम नहीं दे सकते हैं, ये सब लाइफ से अच्छा ये लाइफ है। ये मतलब फ्यूचर में अच्छा फील होगा ये सब, क्योंकि बच्चा लोग भी तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, जब बच्चा लोग बड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर उन लोग पास खुद ही टाइम नहीं रहेगा। तो अभी से हम लोग मतलब बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो अभी से हम लोग जितना हो सके उतना बच्चों को टाइम देना चाहिए, तो हम लोग का लाइफ ही सबसे बेस्ट लाइफ है। और ऐसे भी मेरे हस्बैंड को, मेरे पति देव जी को, मतलब बहुत सारी डॉक्टर देखा गया लड़की उनके लिए, बट उनको एकदम नहीं करना था वर्किंग लेडी से शादी, उनको नहीं पसंद है वो, उनको एक हाउस वाइफ ही चाहिए था जो घर में रहे। उनका कहना था कि मैं बाहर से आऊँ तो वाइफ मिले घर पे, साथ में बैठ के खाना पीना खाए, टाइम स्पेंड करे, नहीं तो क्या होता कि मैं चैम्बर करता फिर वो भी चैम्बर में रहती, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता दोनों जन को। तो उनको नहीं था कि डॉक्टर लड़की से शादी करे, और ऐसे भी माँ को भी नहीं था, माँ को भी शौक़ नहीं था कि हाँ डॉक्टर लड़की से शादी करे, किसी को शौक़ नहीं था। तो बस जिसके नसीब में जो होता है वो आ जाती है, तो मैं ही थी नसीब में इसलिए मैं आ गई। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।